तो कहते हैं मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इंसान का हौसला ही इंसान को अपने कैरियर के ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकती है। तो चलिए आज हमारे सामने आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे है ना मिलने के लिए आए हैं, इनका नाम है राकेश रोशन साहू। इनका सिलेक्शन हुआ है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SSC टेक्निकल 4th इंजीनियर में। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनके सफर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं, जो मे भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आइए इनसे बात करते हैं, थोड़ी चर्चा हो जाए। राकेश साहू जी, सबसे पहली बात कि आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए, है ना, जो आपने ये अपने लाइफ में एक कीर्तिमान जो हासिल किया, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये बताइए बताइए आप अपने सफर के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए हम लोगों को। थैंक यू सर। मैं एक पुरी जिला के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा 10th तक का सफर एक SSVM भीमटेक से हुआ। देन +2 मैंने महर्षि कॉलेज ऑफ नेचुरल लॉ से किया। देन मैं मैकेनिकल स्ट्रीम में गया बीटेक करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कालाहांडी इवन पटना। देन मैं कंप्लीट किया उसे 2021 में। देन मैं सोचा कि गवर्नमेंट की तैयारी कर ली मतलब जाए। आपने अपनी बैचलर डिग्री 2021 में ही कंप्लीट की। जी जी देखिए, जी एक साल पहले इन्होंने बैचलर डिग्री अपना कंप्लीट किया और आपके सामने ये गवर्नमेंट जॉब, है ना, सिक्योर जॉब पाकर बैठे हैं। बहुत बड़ी बात है इतने कम टाइम में सिलेक्शन पाना, ठीक है ना। चलिए आप कंटिन्यू करेंगे। जी जब मैं सोचा कि एक गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट की नौकरी के लिए तैयारी की जाए, तब मैंने सोचा कि वानिक के बारे में। तो वानिक था एक टॉप इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट की तैयारी करता था। तो मैंने SSC टेक्निकल में ज्वाइन किया। देन मुझे उस बैच में मुझे मुलाकात हुई स्वयंजीत सर जो पढ़ाते थे टेक्निकल सब्जेक्ट। तो वो मुझे शिपिंग कॉरपोरेशन के बारे में थोड़ा बताया, जो कि मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। देन मैं उस वेबसाइट में जाकर उसे फिलअप किया। देन मेरा रिटर्न हुआ। देन मेरा इंटरव्यू हुआ। रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद मैं मुंबई गया था इंटरव्यू के लिए। तो 7 जून को मेरा रिजल्ट आया कि मैं सिलेक्शन हो गया था। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि वानिक का क्या रोल रहा आपके इस सिलेक्शन में, इसको थोड़ा हमें शॉर्ट में बताइए कि वानिक ने आपको कितना हेल्प किया सिलेक्शन तक पहुंचने में। सर बहुत हेल्प किया सर। मैं जब बानिक नहीं ज्वाइन किया था ना, मैं अंडर कॉन्फिडेंस था। जब मैं बानिक के ज्वाइन किया तो मुझे एक रास्ता मिल गया मेरे मंजिल तक पहुंचाने के लिए, जो थे जी मेरा सर स्वयंजीत बेहरा। वो मुझे नेवी जो थे मर्चेंट नेवी के सेकंड ऑफिसर, वो मुझे थोड़ा बताया इस कैरियर के बारे में। तो बानिक में अगर नहीं आता तो मैं उस उन साहस से कभी नहीं मिल पाता और आज इस मंजिल पर मैं नहीं होता सर। तो मार्गदर्शक का काम किया इनका, ठीक है ना। इंसान अक्सर मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन अगर सही रास्ते पे इंसान मेहनत करे तो मंजिल बहुत आसानी से और जल्दी मिल जाती है। तो देखिए, ये जैसा कह रहे हैं कि इनको इनके जीवन के पथ प्रदर्शक बने स्वयंजीत सर, जिनका ये बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं, है ना, कि जिन्होंने इनको सही रास्ता दिखाया। और इंसान सही रास्ते पे जब चलता है तो समय कम लगती है मंजिल तक पहुंचने में, ठीक जी है सर। ना। तो यही इनका कहना है। तो राकेश जी, अब ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते थे डेली। सर ये घंटा अक्सर हमारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए। जी। सर घंटे मैटर नहीं करते, कोई 7-8 घंटा लगातार नहीं पढ़ सकता। आप 2-3 घंटा लगातार भी पढ़ेंगे वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो इफेक्टिव स्टडी कीजिए। कोई तो इतना रात भर दिन भर नहीं बैठ के पढ़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक क्वेश्चन आपसे, क्या आपकी डेली रूटीन बताइए जरा। अक्सर बहुत सारे लोगों को बहुत रुचि होती है, जो सिलेक्शन पाते हैं ना, जो सबसे सक्सेसफुल होते हैं, हर एक इंसान की दिलचस्पी होती है कि सफल इंसान की रूटीन जानी जाए। मतलब वो कब सोता था, कब जागता था, कितना कितना पढ़ाई करता था वो,
और आपके जीवन में आप खाली टाइम में क्या करते थे, इसका थोड़ा हमें विस्तार से बताइए अपने डेली रूटीन के बारे में थोड़ा। जी सर, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था, देन 7 बजे मेरा यहाँ पे बैनिक में क्लास था, क्लास रहता है, देन क्लास खत्म होता था 11:30 बजे, तो देन मैं घर चला जाता था, जो सर ने पढ़ाया, जो भी मैम ने पढ़ाया उसको थोड़ा रिविजन कर लिया, जो भी 2 घंटा 4 घंटा में पढ़ाया था। देन मैं क्या करता था कि थोड़ा रेस्ट कर लेता था खा के, देन 3-4 बजे मैं एक ट्यूशन लेता था जो कि मुझे हेल्प किया मेरा इंटरव्यू में। अच्छा अच्छा ट्यूशन मतलब बच्चों को पढ़ाना, जो इंग्लिश मीडियम बच्चों को मैं पढ़ाता था 2 घंटे, देन आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जी जी, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इसे, इंग्लिश बोलने का, हिंदी बोलने का। देन 6 बजे से लेके 9 बजे 10 बजे तक मैं सेल्फ स्टडी करता था, देन खाके 11:30 11 बजे सो जाता था, देन फिर से 6 बजे। मतलब डेली सुबह 6 बजे उठते थे आप, तो इस तरीके से देखिए इन्होंने अपना फिक्स रूटीन फॉलो किया, ठीक है ना, आपको भी फिक्स रूटीन फॉलो करना चाहिए। ओके, और दूसरी बात ये कि जरा बताइए कि वानिक के द्वारा जो आपको जो भी स्टडी मटेरियल दिया गया वो कहां तक आपको हेल्प किया ये बताइए। सर वानिक के सारे स्टडी बुक्स अच्छे हैं, बहुत मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखा है उसमें, ज्यादा पोएट नहीं लिखा है उसमें कि पोएम नहीं लिखा है उसमें, ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट, जो कि आने वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्प करेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, पीएसयू के लिए एंड एसएससी जेई के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो इनका कहना है कि देखिए जब भी पढ़िए, किसी भी काम में लगिए, मन से लगिए, मन से काम कीजिए, मन से पढ़िए, बाकी सिलेक्शन की चिंता ना कीजिए, है ना, मन से पढ़ना चाहिए, ये इनका कहना है। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो आने वाले बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर आने वाले बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि अच्छी संगत बनाइए, संगति संगति कीजिए साधु की, समझ रहे ना, क्योंकि संगति से इंसान बहुत, है ना, जीवन में संगति का असर होता है। अच्छे अच्छे बच्चे हैं अच्छी संगति में अच्छा बन जाते हैं, बुरी संगति में जाके आप अपने पद से भटक भी सकते हैं। तो इनका कहना है कि संगत अच्छे लोगों का कीजिए। और बताइए आप? सर और फोकस कीजिए अपनी एम पर, कभी भटकना मत उस एम से, और लगातार उसे फोकस करते रहिए बस, है ना। तो सच्ची समर्पण और आपका जीवन का लक्ष्य आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। ओके, थैंक यू।